हेलो गाइस, माय नेम इज़ अनु गुप्ता। कुछ लोग मुझे पहचानते होंगे, बाकी लोगों के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। आई हैव स्टडीड फ्रॉम बंसल क्लासेज इट सेल्फ एंड आई क्लियर जे इन 2001 एंड उसके बाद आई वॉज इन मर्चेंट नेवी बिफोर दिस एंड बिफोर आई स्टार्टेड कोचिंग एंड फॉर लास्ट 11 ईयर्स आई हैव बीन कोचिंग स्टूडेंट फॉर आई टी जेई और Now I am back to Bansal classes after a long time, and then इस YouTube channel के ज़रिए हम आपको छोटे छोटे examples जहाँ पर बच्चे अक्सर फंस जाते हैं उन ऐसी जगह पर ऐसी problems मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आऊँगा। और उसी series में आज ये पहला case है या पहला lecture है जिसमें हम लोग conductors के बारे में जानेंगे। हम जितने भी क्रूशियल टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स को हम बार बार कंसिडर करते रहेंगे, उनको उठाते रहेंगे, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट फर्दर आता है तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर अपने डाउट्स लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वहीं डाउट सेक्शन के अंदर या कमेंट सेक्शन के अंदर मैं उसे क्लियर कर दूँ, और अगर नहीं कर पाया तो हो सकता है उसके बारे में हम लोग और दूसरे वीडियोज़ भी शूट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा सा सीखेंगे कंडक्टर्स के बारे में। हालाँकि बेसिक कंडक्टर्स मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि आपको आता होगा। हम लोग यहाँ पे एक अच्छी सी प्रॉब्लम लेते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, और उसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मूले होंगे या कोई जो बेसिक उसके होंगे वो मैं आपको साथ साथ ही बताता जाऊँगा और याद दिलाता जाऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का एक सवाल है, क्वेश्चन ये है कि भाई ये एक अगर इस तरीके का स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, ये स्फेरिकल शेल है बेसिकली, और इसके अंदर एक शेल और है और इसके बाहर एक शेल और है। प्लीज नोट, ये तीनों ही हॉलो हैं। ठीक है, मतलब यहां भी यहां पर वैक्यूम है, यहां वैक्यूम है, यहां वैक्यूम है, यहां वैक्यूम है, सिर्फ इतना इतना मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। इसका जो रेडियस है, अंदर वाले का रेडियस वो है आर, इसका रेडियस है 2R और इसका रेडियस है 3R। और अगर मैं आपसे, और इसमें बताया ये गया है कि शुरू शुरू में इसके ऊपर चार्ज था Q, इसके ऊपर टोटल चार्ज था 2Q और इसके ऊपर टोटल चार्ज था 3Q। अब बात यहाँ पे ये आती है कि भाई सबसे पहला सवाल, इससे पहले कि मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ, पहला सवाल तो ये आता है कि भाई मुझे बताओ यहाँ पे सरफेसेस कितने हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके अंदर का एक सरफेस, इसके बाहर एक सरफेस, मतलब अंदर वाले शेल के अंदर एक सरफेस, अंदर वाले शेल के बाहर एक सरफेस, ऐसे बीच वाले शेल के अंदर, बीच वाले शेल के बाहर, और बाहर वाले शेल के अंदर, बाहर वाले शेल के बाहर। तो बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सर्फेसेस हैं यहाँ पर। और ये जो 6 सर्फेसेस हैं, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये आता है, इससे पहले कि यहाँ पे मैं कोई भी दो तार जोड़ूं या अर्थ कर दूं या कुछ भी कर दूं, उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे ये आता है कि क्या आप मुझे समझा सकते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ कंडक्टर्स, कि मुझे कि इन 6 सर्फेसेस पे चार्जेस कितने कितने होंगे। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सभी जो शेल्स हैं वो कंसेंट्रिक हैं, सबका सेंटर एक ही जगह पे है। वैसे तो ये बात आपको जिस तरीके से मैंने रेडियस ड्रॉ किए हैं उस तरीके से भी समझ में आ जानी चाहिए। पर एनीवेज, अब मुझे ये बताओ भाई सबसे अंदर चार्ज कितना है। तो भाई सबसे अंदर चार्ज कितना है या किसी भी जगह पे चार्ज कितना है, ये पता करने के लिए हम लोग गॉस लॉ का यूज करते हैं। जैसे जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जैसे भाई मान लो कि आपके सामने यहाँ पर एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, और स्फेरिकल शेल बनाने के लिए मैंने बहुत पतला स्फेरिकल शेल माना हुआ है, तो उसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस करीब करीब बराबर है, इसलिए मैं एक शेल बना देता हूँ। लेकिन कायदे से मुझे शायद यहाँ पर दो सर्फेसेस दिखाने चाहिए, क्योंकि एक इनर सर्फेस है, एक आउटर सर्फेस है, बीच में मटीरियल है। अगर मैं कहता हूँ कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स द एनक्लोज्ड चार्ज इज जीरो एंड दैट मीन्स द फ्लक्स मस्ट बी जीरो। अब अच्छी बात यह है कि आपको ये बात पता होगी कि एक कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। अब अगर कंडक्टर के मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो मान लो कि मैं यहां पर इसके अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर एक गॉशियन सरफेस ड्रॉ करता हूं। गॉशियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है, उसको मैं कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूं। जैसे ही मैंने यहां पर एक गॉशियन सरफेस ड्रॉ किया, अब आप ध्यान से देखो गॉस लॉ क्या कहता है। गॉस लॉ कहता है Closed integral E vector dot ds vector is equal to Q in upon epsilon naught. ये होता है गॉस लॉ। अब अगर ये होता है गॉस लॉ, ध्यान से देखना, इस
एनक्लोज्ड इस गॉशियन सरफेस के ऊपर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो. क्यों? क्योंकि कंडक्टर के हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है. अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो है तो ऑब्वियसली उसका इंटीग्रल क्या आएगा? वो भी आएगा जीरो. और इसका मतलब ये भी होगा जीरो. अब एप्सिलॉन नॉट तो जीरो हो नहीं सकता, वो तो फिक्स वैल्यू है. इसका मतलब क्यू इन यानी कि इस गॉशियन सरफेस के अंदर का एनक्लोज्ड चार्ज कितना होगा? जीरो. ठीक है, तो क्यू इन की वैल्यू क्या होगी? जीरो. अब यहां से मैं इस बात को उठाता हूं, अगर मान लो कि मैंने इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू छोड़ा होता, तो एक बात आप, ये बात आपको शायद याद होगी, नहीं याद हो तो सुन लो, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर कभी कोई चार्ज स्टे नहीं कर सकता. चार्ज हमेशा भाग के या तो अंदर वाले सरफेस पे या बाहर वाले सरफेस पे या किसी सरफेस पे चला जाएगा. कंडक्टर के मटेरियल में कभी कोई नेट चार्ज स्टे नहीं कर सकता. इसका मतलब जैसे मैंने यहां क्यू चार्ज डाला तो वो मटेरियल में तो हो नहीं सकता, वो या तो अंदर वाले सरफेस पे होगा या वो बाहर वाले सरफेस पे होगा. अब खास बात यह आती है कि जब मैंने यहां पे फ्लक्स निकाला तो अंदर वाला जो सरफेस था वो तो क्यू इन हो गया, और जो बाहर, अगर मान लो अंदर चार्ज छोटा क्यू रह गया और बाहर कैपिटल क्यू माइनस छोटा क्यू हो गया, क्योंकि टोटल तो कैपिटल क्यू है, कुछ कटे, ये कद्दू कटेगा, दोनों में बटेगा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर. अगर यहां क्यू है तो वहां कैपिटल क्यू माइनस क्यू है. अब अगर यहां क्यू है वहां कैपिटल माइनस क्यू है, पर क्यू इन क्या है? क्यू इन तो सिर्फ छोटा क्यू है, और अगर क्यू इन से छोटा क्यू है, क्यू इन तो जीरो है. इसका मतलब छोटा क्यू क्या है? छोटा क्यू जीरो है. और छोटा क्यू जीरो है मतलब ये कैपिटल क्यू है. मतलब सारा का सारा चार्ज इस केस में कहां आ गया? बाहर वाले सरफेस पे. ठीक है, अंदर वाले सरफेस पे चार्ज क्या है? जीरो. सारा चार्ज कहां आ गया? बाहर वाले सरफेस पे. समझ में आई ये वाली बात? अब इस चीज को अपन यहां देखते हैं, यूज करते हैं इसके अंदर. भाई अब मैंने यहां पर इसको बनाया, देखो मैं आपको बता दूं, मैंने यहां पर बनाया जरूर दो सरफेस है, ठीक है, और ये दो सरफेसेस हैं, सही बात है, लेकिन ये हर बार नहीं होगा. थिन शेल का मतलब इनर रेडियस और आउटर रेडियस. अब यहां पे ये इनर रेडियस है या आउटर रेडियस है, वो दोनों करीब करीब बराबर थे. थिन शेल बोल दिया मतलब दोनों रेडियस बराबर होगा, इसका मतलब ये दोनों एक्चुअली ऑलमोस्ट एक ही जगह पे है, बस यही है. अब यहां पर मैंने बना के दिखा दिया कि मैंने इसके अंदर अंदर एक गॉशियन सरफेस खींचा है, बाकी आपको इमेजिन करना है. अब अगर मानो कि मैं इसके, ये जो बिल्कुल पतला सा शेल है उसके अंदर 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 मैंने एक गॉशियन सरफेस खींच दिया, तो उसमें हर जगह पे फील्ड क्या है? क्योंकि वो तो पूरा मटेरियल है अंदर ही अंदर, तो सारा मटेरियल हर जगह फील्ड क्या आएगी? जीरो. तो फ्लक्स क्या आएगा? जीरो. तो एनक्लोज चार्ज क्या आएगा? जीरो. और एनक्लोज चार्ज जीरो आ गया, इसका मतलब इस क्यू में से अंदर चार्ज क्या है? अंदर चार्ज आ जाएगा जीरो. तो बाकी चार्ज कहां आ जाएगा? बाहर. तो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज हो गया कैपिटल क्यू. दूसरी बात, अब अपन बात करते हैं इस वाले सरफेस के लिए. एक बार फिर मैंने एक और गॉशियन सरफेस खींचा, इसके अंदर 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 एक गॉशियन सरफेस खींच दिया, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई? जीरो. तो फ्लक्स क्या आया? जीरो. तो एनक्लोज चार्ज क्या आया? जीरो. अब इसके इसके अंदर अंदर जो एनक्लोज चार्ज है वो एक तो इस शेल के अंदर वाले सरफेस का चार्ज है, और दूसरा इसके अंदर जो भी मसाला भरा है वो तो चार्ज है ही सही. तो इसके अंदर मसाला एक तो ये कैपिटल क्यू हो गया और दूसरा अंदर वाला सरफेस हो गया, उन दोनों का मिला के चार्ज क्या आना चाहिए? जीरो. क्यों? क्योंकि इसका हर जगह पे फ्लक्स कितना मिल रहा है? जीरो. तो अगर यहां पे है, ये है कैपिटल क्यू, तो इसका मतलब यहां पे आना चाहिए माइनस क्यू. ठीक है, समझ में आ रही है मेरे क्या बोल रहा हूं मैं? चलो एक बार और थोड़ा सा मैं एक बार समझाने के लिए मैं यहां पर चलो इसकी ये बाउंड्री और खींच देता हूं. ठीक है, अगर मैंने यहां पर बाउंड्री खींची और मैंने इसके अंदर अंदर बनाया गॉशियन सरफेस, तो गॉशियन सरफेस के हर जगह पे फील्ड कितनी है? जीरो. और फ्लक्स क्या है? जीरो. तो एनक्लोज चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो. मान लो मैंने इसे क्यू वन बोला होता, तो इसके अंदर अंदर का चार्ज क्या है? क्यू वन प्लस कैपिटल क्यू प्लस जीरो. अब क्यू वन प्लस कैपिटल क्यू प्लस जीरो की टोटल वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो. क्यों? क्योंकि फ्लक्स तो जीरो है. यहां से मुझे पता चला कि क्यू वन की वैल्यू आई माइनस क्यू. तो यहां से मुझे पता चला ये Q1 अब Q1 नहीं है, ये Q1 है माइनस क्यू. सिमिलरली चलो और एक बार प्रैक्टिस करते हैं. इस बार आप सोच के बताओ मुझे इसके बाहर वाले सरफेस पे चार्ज कितना होगा. इनफैक्ट ये तो चलो थोड़ा आसानी है. क्यों? कद्दू कटेगा, दोनों में बटेगा, टोटल चार्ज कितना है? टू क्यू. अंदर कितना है? माइनस क्यू. तो बाहर कितना होगा? सोचो, टू क्यू में से माइनस क्यू अंदर है, तो बाहर क्या होगा?
बाहर होगा 3q ताकि इन दोनों का सम 2q हो सके, क्योंकि ध्यान से देखो अंदर बाहर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है पर कुल मिला के तो ये इंसुलेटेड ही है ना, तो यहां से कहीं एक्स्ट्रा चार्ज जा नहीं सकता, कहीं से एक्स्ट्रा चार्ज आ नहीं सकता, टोटल चार्ज तो 2q ही है। अब ये हो गया 3q माइनस क्यू 3q, ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या आएगा 2q आ जाएगा, सही बात है। अब आप ये मुझे बताओ, यहां पे दो सर्फेसेज और हैं अंदर और बाहर, इनके चार्जेस क्या क्या होंगे, एक बार फिर अगर मैं ड्रॉ करता हूं गॉसियन सर्फेस, अंदर 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 ड्रॉ किया, हर जगह पे फील्ड क्या आई जीरो, हर जगह फ्लक्स क्या आया, मतलब टोटल फ्लक्स क्या आया जीरो, तो एनक्लोज चार्ज क्या होना चाहिए जीरो। अब हो सकता है कि यहां पे चार्ज हो Q2 और इस पर टोटल कितना रहा 3Q, तो यहां पे कितना होगा 3Q माइनस Q2। अब ये Q2 और 3Q और माइनस Q और प्लस Q और जीरो, इन सब का मिलके चार्ज क्या होना चाहिए, इसको नहीं ये वाला नहीं गिनना, Q2 3Q माइनस Q Q जीरो, इन सब का मिला के चार्ज क्या आना चाहिए जीरो, क्योंकि एनक्लोज्ड चार्ज तो ये सारा है, ये तो बाहर है, ये 3Q माइनस Q2 तो बाहर है, अंदर वाला चार्ज क्या हुआ सब मिला तो सारे पकड़ के, तो क्या क्या आ गए Q2 3Q ये माइनस Q प्लस Q कट गए, 3Q और Q2 का सम जीरो होना चाहिए, तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 3Q, और अगर ये Q2 है माइनस 3Q तो 3Q माइनस माइनस 3Q, ओहो तो ये क्या हो गया, इसका चार्ज आ गया 6Q। और इस तरीके से हमने सारे सरफेस के जो चार्जेस हैं वो निकाल लिए, ठीक है। अच्छा तो पहले आप इसको लिख लो, फिर इसके बाद हम और बात करते हैं। हाँ जी, तो ये आपने देखा, अब इसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, तो मैं यहां पर एक और यहां पर डायग्राम ड्रॉ करता हूं, सेम क्वेश्चन है, जस्ट एक नया डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो भाई एक स्फीयर, सॉरी होलोस्फीयर शेल, एक और शेल और एक और शेल, तीन कंसेंट्रिक शेल्स हैं, उनकी रेडियस, एक का रेडियस आर, दूसरे का रेडियस 2R, तीसरे का रेडियस 3R। सेम क्वेश्चन है, तो इनिशियली इस पे चार्ज था Q, इस पे चार्ज था 2Q और इस पे चार्ज था 3Q। पर अगर मैं आपसे फिर पूछ लेता बताओ कौन सा सरफेस पे कितना चार्ज है, तो फिर तो वही क्वेश्चन हो जाता है जो पहले पूछा गया था। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, चेंज ये है कि मैंने यहाँ पर एक वायर कनेक्ट किया जो यहाँ से कूद के गया, यहाँ स्विच लगा और वो इधर कनेक्ट हो सकता है, और इस स्विच को मैंने ऑन किया अभी अभी। क्वेश्चन यह है कि स्विच ऑन करने के बाद छहों सरफेसेस पे चार्जेस बता दिए। क्वेश्चन क्या है कि स्विच ऑन करने के बाद छहों सरफेसेस पे, छह सरफेस कौन से हैं, अंदर वाले शेल का अंदर वाला सरफेस, अंदर वाले शेल का बाहर वाला सरफेस, बीच वाले शेल का अंदर वाला सरफेस, बीच वाले शेल का बाहर वाला सरफेस, बाहर वाले शेल का अंदर वाला सरफेस, बाहर वाले शेल का बाहर वाला सरफेस, इन छह सरफेसेस पे चार्जेस बता दीजिए नए वाले। तो कैसे पता करोगे आप, बहुत आसान है, देखो बिल्कुल बेसिक बातें बताऊं तो काम हो जाता है। मान लो कि जैसे यहां पर जो चार्ज नया वाला आया है वो आया Q1, देखो अच्छी यहां पे जो अंदर वाला शेल है वो चूंकि बाहर वाले शेल से कनेक्ट हो गया है, तो हो सकता है कुछ चार्ज बह जाए या कुछ चार्ज वापस अंदर आ जाए, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो चार्ज क्यों रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने उसको Q1 बोल दिया। लेकिन ये जो यहाँ पे ये छलांग मारी हुई है, इस छलांग का मतलब ये है कि ये वायर इस वाले बीच वाले शेल से कनेक्टेड नहीं है, और अगर ये इससे कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ये बीच वाला जो शेल है वो आइसोलेटेड है, इंसुलेटेड है, और इसका मतलब उसका चार्ज तो बाद में भी 2Q ही रहेगा। अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ बाहर वाले शेल का चार्ज 3Q रहेगा, अंदर बाहर सब मिला के क्या मैं कह सकता हूँ बाहर वाले शेल का चार्ज 3Q रहेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि वो कनेक्ट हुआ था, जो चार्ज यहाँ कम हुआ है वो यहाँ बढ़ा है, या अगर यहाँ बढ़ा है तो यहाँ से कम हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं भाई इसका भी कुछ नया चार्ज होगा, और मान लो उसे मैंने कह दिया Q3, ठीक है। अब मेरे पास बेसिकली दो वेरिएबल हैं, एक Q1 और एक Q3, ये मुझे पता चल जाए तो उसके बाद तो मैं इस वाले तरीके को यूज करते हुए सारे सर्फेसिस के चार्जेस निकाली दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले कोई मुझे Q1 और Q3 तो बताए, अरे दो इक्वेशन ही बता रहे, चलो सॉल्व मैं कर लूंगा। तो सॉल्व कैसे होंगे, पहले तो मैं दो इक्वेशंस की बात करता हूं, तो वो दो इक्वेशंस क्या आएंगी, देखो भाई पहली इक्वेशन तो ये है कि चार्ज कंजर्व्ड है, ठीक है, जितना चार्ज यहां था वही तो बाहर गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां गया या यहां से वहां गया, इससे यहां गया या यहां से यहां गया, एनीवेज इन दोनों इस शेल्स का जो टोटल चार्ज है वो तो फिक्स्ड है,
और इसका मतलब ये हो गया कि एक बात तो मैं यहां ये कह सकता हूं कि Q1 प्लस Q3 इज द सेम एज इट वॉज बिफोर. पहले कितना था टोटल चार्ज? 3Q और Q, तो टोटल चार्ज था 4Q. तो एक एक्सप्रेशन आया Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू 4Q, एक इक्वेशन. तो अब दूसरी इक्वेशन क्या आती है? दूसरी इक्वेशन इस तरीके से आएगी कि भाई अगर आपने इसको और इसको कनेक्ट किया है तो चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल्स बराबर नहीं हो जाते. अब अगर दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल बराबर होने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इसका पोटेंशियल लिखेंगे, फिर इसका पोटेंशियल लिखेंगे और इक्वेट कर देंगे. इसका पोटेंशियल लिखते हैं चलो पहले. तो ध्यान रखो यहाँ इस वाले पे चार्ज क्या है? Q1. इस पे चार्ज क्या है? 2Q. और सबसे बाहर वाले पे नया वाला चार्ज क्या है? Q3. तो हम कैसे लिखेंगे यहां पर? इसमें हम यह करेंगे कि इसका पोटेंशियल खुद की वजह से क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा K Q1 अपॉन R. फिर इसका पोटेंशियल इस बीच वाले की वजह से क्या लिखा जाएगा? इसका पोटेंशियल बीच वाले की वजह से. अब ध्यान से देखो, जब भी कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज शेल होता है, उसका चार्ज क्यू होता है, रेडियस आर होता है, तो अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल KQ/R से ही गिवन होता है. तो इसका मतलब इसकी वजह से यहां पे जो पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा प्लस K 2Q/2R. और इसका पोटेंशियल इस बाहर वाले की वजह से क्या आएगा? वो आएगा K. और इसका चार्ज क्या है? बाहर वाले का, बाहर वाले का नया वाला चार्ज है Q3, तो वो आएगा K Q3/3R. ये आया फाइनल पोटेंशियल इस वाले अंदर वाले शेल का. और अगर फाइनल केस है तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल और बाहर वाले का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, क्योंकि तभी तो चार्ज ने फ्लो होना बंद हुआ, दोनों को तार से कनेक्ट कर रखा, तो दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाना चाहिए. तो बाहर वाले का पोटेंशियल लिखते हैं. अब बाहर वाले का पोटेंशियल इस अंदर वाले की वजह से क्या होगा? वो होगा K Q1/3R. क्यों? क्योंकि हम ये जो पॉइंट है, हम इस पॉइंट को उस शेल के बाहर ले रहे हैं. किसी भी शेल के बाहर अगर आप पोटेंशियल निकालते हो तो वो शेल ऐसे बिहेव करता है जैसे सारा सारा चार्ज उसके सेंटर पे बैठा हुआ है. तो K Q1/3R प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल क्या आएगा? K2Q/3R. और प्लस खुद की वजह से क्या आएगा? KQ3/3R. ठीक है, इसका पोटेंशियल अंदर वाले की वजह से KQ/3R, इसकी वजह से K2Q/3R, और खुद की वजह से K3Q/3R, नॉट 3Q बट Q3/3R. ओके, अब जैसे आपने दोनों को लिखा, इक्वेट कर दो ये, और दोनों पोटेंशियल आपस में बराबर हैं. और जैसे ये इक्वेट हुए, कुछ तो कटा. क्या कटा? ये कटा इससे, ठीक है. और क्या निकल के आया उसके बाद? उसके बाद निकल के आया, अच्छा ये सारे K भी कट गए, के 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 सारे के कट गए, सारे R भी कट गए क्या? हाँ सारे R भी कट गए. बचा क्या? अच्छा ये 2 भी कट गया आपस में. ओहो ठीक है, तो अब बचा क्या? बचा ये है कि इक्वेशन जो निकल के आई वो आई Q1 प्लस Q, ये तो कट चुका है, इज इक्वल टू Q1/3 प्लस 2Q/3. Q1 प्लस Q इज इक्वल टू Q1/3 प्लस 2Q/3. और जैसे ये इक्वेशन लिखी, अरे इस ये तो इक्वेशन तो सॉल्व भी हो जाएगी यार. यहां पे मुझे नजर आ रहा है 2Q1/3, Q1 माइनस Q1/3, तो 2Q1/3 की वैल्यू क्या आ गई? वो आ गई 2Q/3 माइनस Q. एंड वॉट इज 2Q/3 माइनस Q? इट इज -Q/3. ये देखना जरा सही लिखा है क्या. हाँ, तो Q1 माइनस Q/3 2Q/3 आ गया, और 2Q/3 माइनस Q, हाँ ठीक है, और 3 से 3 कटा और Q1 की वैल्यू आ गई -Q/2. जैसे ही आपको Q1 की वैल्यू मिली -Q/2, इस इक्वेशन को हम दोबारा इसमें डाल देते हैं. ठीक है, Q1 की वैल्यू है -Q/2, Q1 की वैल्यू अगर -Q/2 है उसको इधर लेके जाएंगे तो ये Q3 की वैल्यू बन जाएगी 4.5Q. तो यहां से मुझे एक और बात पता चल गई, वो ये है कि Q3 की वैल्यू है 9Q/2. तो ये दो एक्सप्रेशन आ गए हमारे पास जो हमें बताएंगे कि चार्जेस क्या क्या हैं. अब हम बेसिक क्वेश्चन पे वापस आते हैं. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था भाई मुझे ये बताओ कि ये इस सरफेस, इन 6 सरफेस पे चार्जेस क्या क्या हैं फाइनल. तो उनकी वैल्यू मैं यहां पे बड़े आसानी से लिख सकता हूं. कैसे? वैसे तो Q1 और Q3 की वैल्यू आई गई है, तो अपन कभी भी डाल सकते हैं उठा के. Q1 Q3 के टर्म्स में लिख लेते हैं इसको.
तुम्हें सबसे अंदर वाले सफ़े पे चार्ज क्या आएगा, जो हमने पहले बात करी थी उसी हिसाब से। इसके अंदर अंदर अगर मैं कर्व सरफेस खींचता हूँ, सॉरी गॉशियन सरफेस खींचता हूँ, तो गॉशियन सरफेस के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो एनक्लोज चार्ज क्या होगा, जीरो। तो अंदर चार्ज आ गया जीरो, यहाँ पे आ गया क्यू वन। सिमिलरली यहाँ एनक्लोज, यहाँ पे गॉशियन सरफेस के अंदर तक खींचा तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो फ्लक्स क्या है, जीरो। तो एनक्लोज चार्ज क्या है, जीरो। मतलब अंदर वाले सरफेस पे चार्ज क्या है, माइनस क्यू वन। अब ये माइनस क्यू वन है और इन दोनों का मिला के चार्ज क्या होना चाहिए था, टू क्यू। तो बाहर सॉरी इसका और बाहर वाले का मिला के चार्ज क्या होना चाहिए था, टू क्यू। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज बाहर वाले पे कितना आ गया, टू क्यू प्लस क्यू वन। ताकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्यू वन क्यू वन कट जाएगा और टू क्यू आ जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ पे चार्ज क्या आएगा अंदर वाले सरफेस पे, अंदर वाले सरफेस पे चार्ज आएगा, अगर मैं यहाँ पे गॉशियन सरफेस खींचूँ हर जगह, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। फ्लक्स क्या है, जीरो। एनक्लोज चार्ज कितना है, जीरो। अब एनक्लोज चार्ज में क्या क्या आ गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, यहाँ पे चार्ज आएगा माइनस टू क्यू माइनस क्यू वन। ठीक है, ताकि इन दोनों का मिला के चार्ज आ जाए जीरो। और क्यू थ्री और है बाहर, टोट मतलब बाहर वाले शेल है उस पर टोटल चार्ज है क्यू थ्री। तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा बाहर वाले सफ़े पे चार्ज कितना आएगा, दिस। अगर मान लो बाहर वाले सफ़े पे चार्ज एक्स है, तो दिस प्लस एक्स, दिस प्लस एक्स इज इक्वल टू क्यू थ्री। तो माइनस टू क्यू माइनस क्यू वन प्लस एक्स इज इक्वल टू क्यू थ्री। और जैसे ये लिखा तो एक्स की वैल्यू क्या आई, वो आ गई क्यू वन प्लस क्यू थ्री प्लस टू क्यू। ठीक है, अब क्यू वन प्लस क्यू थ्री प्लस टू क्यू। अच्छा क्यू वन प्लस क्यू थ्री कितना था, फोर क्यू। तो क्यू प्लस क्यू थ्री है फोर क्यू, तो ये आ गया सिक्स क्यू। इसका मतलब यहां पे जो चार्ज आएगा वो हो जाएगा कितना, हो जाएगा सिक्स क्यू। आप चाहो तो Q1 और Q3, इनफैक्ट या बस Q1 की जरूरत पड़ रही है, Q3 की तो जरूरत भी नहीं पड़ रही, Q1 की वैल्यू उठा उठा के डाल दो तो आपको छहों सरफेसेस पे चार्जेस मिल जाएंगे। समझ में आई ये वाली बात। चलो अब इसमें एक मतलब और भी हम इसके अंदर वेरिएशन डाल सकते हैं, जैसे कि हम ये कर सकते हैं कि एक काम करो भाई, ये बीच वाले को अर्थ कर दो। तो अर्थ करते तो बस ये होता कि 2Q जो था वो 2Q नहीं होता, वो कुछ Q2, कुछ नया चार्ज होता Q2, क्योंकि वो तो अर्थ से कनेक्ट हो गया तो उसकी चार्ज की वैल्यू बदल सकती है। अब वो Q2 होता तो फिर कैसे सॉल्व करते, सोच सकते हो क्या करते, कुछ नहीं होता, सब बिल्कुल ऐसे ही रहता। जहां जहां 2Q लिखा है ना, वहां वहां Q2 लिखते जाते, एक तो ये Q2 ये Q2 बस। और दूसरी बात ये होती कि इस वाले शेल का पोटेंशियल निकाल के उसको अलग से जीरो कर देते, तो एक इक्वेशन और आ जाती। अभी आ रही है एक इक्वेशन चार्ज कंजर्वेशन से, एक इक्वेशन आ रही है अंदर और बाहर के पोटेंशियल को इक्वेट करके, तीसरी इक्वेशन आती इसका खुद का पोटेंशियल जीरो करके। और हमारे पास वेरिएबल होते फिर से तीन, Q1, Q2 और Q3, और उस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, एनीवेज ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। और अभी के लिए आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें। जो भी चीज़ अगर आपको ना समझ में आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कोशिश करेंगे कि आपकी जो डाउट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से अच्छे जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक है, थैंक यू।